40 ट्रेनें चलाई और 40 राह भटक गई। गोबर कहता हूँ, समझ में आ रहा है ना क्यों कहता हूँ। मोदी जी मुकाबला कर रहे थे दुनिया की कंट्रियों में कि हमारा बहुत अच्छा स्थिति है। एक तो गौ मांस बेचने में इनकी गलत नीतियों, जितना लूटना था ये तो लूट के भर चुके हैं। यदि जवाहरलाल नेहरू की जगह उस जमाने में कहीं आप प्रधानमंत्री होते, यदि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जगह माननीय प्रधानमंत्री जी आप यदि रहे होते उस जमाने में, तो देश कैसे चलता, ये उसका जीता जागता नमूना। 40 ट्रेनें चलाई और 40 राह भटक गई, क्या सिस्टम है। अरे भैया, पकी पकाई पे तो कोई ऐश मौज कर लेता है, लेकिन पका के खाने में बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, एक एक चीज जोड़ना पड़ता है। और जब अब जोड़ने की बारी आई तो कुछ नहीं संभल रहा गोबर, हो कुछ नहीं संभल रहा गोबर। कहता हूं, समझ में आ रहा है ना क्यों कहता हूं, अब तो प्रमाण भी मिल गया है। अरे सुनो, नफरत की बीमारियों, नफरत फैलाने से देश कभी नहीं चलता है। मैं बार बार ही बोलता हूं, देश चलाने के लिए बहुत तेज दिमाग की जरूरत होती है, जो नहीं है मोदी के पास, नहीं है भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। वो जीता जागता प्रमाण है कि एक रेलवे नहीं संभाला। एक चीज बताओगे क्या संभाल, आपने देखा जीता जागता उदाहरण है, एक चीज संभला। अभी कुछ दिन पहले, ये दो चार दिन पहले मोदी जी मुकाबला कर रहे थे दुनिया की कंट्रियों में कि हमारा बहुत अच्छा स्थिति है। 8वें नंबर पे है भारत कोरोना वायरस में, पहले टॉप 10 में आया था, अब 8वें नंबर पर है। और जो नरेंद्र मोदी ने प्लानिंग रचा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्लानिंग रचा है, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर में नंबर 1 हो जाएगा भारत कोरोना वायरस के अंदर, नंबर 1। आप मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ज्यादा दिन नहीं है, 10-15 दिन की बात कह रहा हूं, भारत नंबर 1 पे आएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने एक तो गौ मांस बेचने में पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो प्रधानमंत्री स्वयं अपने बयान में बोल चुके हैं, अपने भाषण में इस चीज को कह चुके हैं। और दूसरा नंबर 1 स्थान आएगा कोरोना वायरस के अंदर, जो अभी श्री नरेंद्र मोदी ने डिसीजन लिया है। और तीसरा पूरे वर्ल्ड के अंदर सब अर्थव्यवस्था चौपट करने में भी भारत का नंबर 1 स्थान बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि इनसे देश नहीं संभला, इनकी गलत नीतियों, जितना लूटना था ये तो लूट के भर चुके हैं। इनको नहीं कोई फर्क पड़ता कि देश की जनता मरे या जिए, इनसे कोई लेना देना नहीं। इनके मित्र उद्योगपति तो सही सलामत है ना, और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने के लिए तो फंडिंग की कोई कमी नहीं है। आज भारत का यदि मैं कहूं 50% पैसा यदि भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। 6 साल में, अरे 70 साल में कांग्रेस ने जो लूटा सो लूटा, लेकिन 5 सितारा होटल जैसा पार्टी ऑफिस कभी 70 साल में कांग्रेस नहीं बना पाया, लेकिन 6 साल में पूरे हिंदुस्तान में टॉप के पार्टी ऑफिस भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबसे ज्यादा जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, जो 56 साल कंटिन्यू सत्ता में रही वो नहीं कर पाई, लेकिन 6 साल के शासन काल में भारतीय जनता पार्टी 5 सितारा होटल जैसा दिल्ली में ऑफिस है, और हर जिले के अंदर 1-2 ऑफिस है भारतीय जनता पार्टी के आज के 6 साल के शासन। और फंडिंग के मामले में भी सबसे अधिक भारतीय, तो सोच लीजिए कहां जा रहा है देश का पैसा। जितना लूटना था, जितना नोट छापना था, वो मोदी जी छाप के अपने मित्रों को सेट कर चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक सदस्य सेट हो चुके हैं। अब देश की जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है, देश की जनता मरे या जिए, इसलिए लॉकडाउन खोल दिया गया है। तो आप लोग समझिए क्या स्थिति अब देश की होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।